नमस्कार स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट. वेलकम टू अवर इंग्लिश एक्सप्लेनेशन वीडियो. लेट अस स्टार्ट अवर टेक्सचुअल बेस्ड एक्सरसाइज ऑफ पोएम नंबर 4, इन बेड एट नाइट. ओके, इन अवर प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द पोएम एंड अबाउट द पोएट हु रोट दिस पोएम इन बेड एट नाइट. Now let us go through the question answers. Your question number 1 is, what is the little girl doing? Question number 1 is, what is the little girl doing? Answer will be, the girl is lying in bed. The girl is lying in bed. Okay? Question number 2 is, who comes to peep at the little girl? Who comes to peep at the little girl? Where does he stay at night? Where does he stay at night? And the answer will be, a twinkling star comes to peep at the little girl. ठीक है, कौन आता है लिटिल गर्ल को झांकने के लिए? फ्रॉम द ब्लाइंड्स अ ट्विंकलिंग स्टार कम्स टू पीप एट द लिटिल गर्ल. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? वेयर डज ही स्टे एट नाइट? ठीक है, वो कहाँ पे रहता है रात को? द स्टार स्टेज इन द स्काई आउटसाइड द गर्ल्स विंडो. वो कहाँ पे रहते हैं स्टार्स? वो गर्ल के विंडो के बाहर रहते हैं, इन द स्काई. क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट हैपेंस एट द ब्रेक ऑफ डे? क्या होता है ब्रेक ऑफ द डे? मतलब मैंने क्या समझाया था इस पोयम के अकॉर्डिंग? ब्रेक ऑफ द डे मतलब अर्ली मॉर्निंग. क्या होता है अर्ली मॉर्निंग? लेट अस सी द आंसर. At the break of day, the star disappears. At the break of the day, the star disappears. मतलब जब early morning हो जाता है तो stars नहीं दिखते हैं, stars कहीं और चले जाते हैं. Okay? Question number 4 is, what does the little girl think the star does in the morning? What does the little girl think the star does in the morning? मतलब जो little girl है इस poem में, वो क्या सोचती है कि star क्या करते होंगे early morning में? तो let us see the answer. तो क्या सोचती है girl, क्या wonder करती है? Yes, in the morning the star goes to peep at other little girls in another part of the world. ठीक है, तो little girl क्या सोचती है morning में, early morning में stars जो है वो दूसरे little girls को झांकने के लिए अलग जगह पर चले जाते हैं. So in the morning the star goes to peep at other little girls in another part of the world. Okay, now question number 5 is, which line in the poem tells you that the speaker is a girl? Which line in the poem tells you that the speaker is a girl? ठीक है, पोयम में ऐसी कौन सी लाइन है जो आपको बताती है कि इसमें जो बोल रही है, जो पोयम बोल रही है, वो एक लिटिल गर्ल है. ओके, सो लेट अस सी दैट लाइन. टू पीप एट अदर लिटिल गर्ल्स. ठीक है, ये वाली जो लाइन है वो मतलब हमें बताती है कि जो स्पीकर है वो एक लिटिल गर्ल है. टू पीप एट अदर लिटिल गर्ल्स. ओके, सो हियर वी एंड्स अवर क्वेश्चन आंसर पोर्शन. ये आप लोगों को वन टाइम अपने नोटबुक में लिखना है अलॉन्ग विथ दी हार्ड वर्ड्स, हमारे जो न्यू वर्ड्स हैं
मीनिंग्स है उसके साथ आपको ये क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं. ओके, नाउ लेट अस गो थ्रू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. सर्कल द करेक्ट वर्ड्स इन दिस सेंटेंसेस. ठीक है, यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हैं अकॉर्डिंग टू द पोएम. उसमें आपको वो सेंटेंस में कौन सा सही वर्ड आता है उसको आपको ऑप्शन में से सिलेक्ट करके सर्कल करना है. ओके, सो नंबर वन फर्स्ट सेंटेंस इज एट नाइट द गर्ल सीज द मून अ स्टार द डार्क स्काई. मतलब रात में ये जो गर्ल है वो क्या देखती है स्काई में? द मून देखती है, अ स्टार देखती है कि सिर्फ द डार्क स्काई? यस, हियर कम्स अ स्टार. ठीक है, आपको अ स्टार जो ऑप्शन है उसमें आपको सर्कल करना है क्योंकि गर्ल जो है वो रात में स्टार्स को देखती है. सेकेंड सेंटेंस इज द स्टार डैश द लिटल गर्ल. द स्टार डैश द लिटल गर्ल. ठीक है, तो क्या करती है स्टार्स, क्या करते हैं लिटिल गर्ल को? पीप सेट करते हैं कि हाइड्स फ्रॉम करते हैं कि प्लेज विथ करते हैं. इसका मतलब वो उसको झांक के देखते हैं उसके विंडो में से कि फिर छुप जाते हैं कि फिर उसके साथ खेलते हैं. क्या करते हैं स्टार्स लिटिल गर्ल के विंडो में से? यस, दे पीप्स एट द लिटिल गर्ल. द स्टार पीप्स एट द लिटिल गर्ल. वो जो है वो गर्ल के विंडो कर्टन में से उसको झांक के देखते हैं. ओके, सो यू विल सर्कल द ऑप्शन पीप्स एट. ओके, नाउ थर्ड सेंटेंस इज द गर्ल सीज द स्टार डैश. द गर्ल सीज द स्टार डैश. ठीक है, नाउ द ऑप्शंस आर बिहाइंड द क्लाउड्स थ्रू द ब्लाइंड्स अंडर द बेड. ठीक है, अब जो गर्ल है वो स्टार्स को कहाँ से देखती है? बादलों के पीछे से. बिहाइंड द क्लाउड्स मतलब बादलों के पीछे से देखती है कि फिर थ्रू द ब्लाइंड्स मतलब ब्लाइंड्स के उस पार देखती है कि फिर अंडर द बेड या फिर उसके अंडर बेड के नीचे देखती है. यस, तो थ्रू द ब्लाइंड्स वो अपने कर्टन्स के विंडोज के बाहर देखती है स्टार को. सो यू विल सर्कल द ऑप्शन थ्रू द ब्लाइंड्स. ओके, द गर्ल सीज द स्टार थ्रू द ब्लाइंड्स. ओके, सो योर नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस इज शी थिंक्स दैट इन द मॉर्निंग ही डैश. ठीक है, कौन थिंक्स शी मतलब कौन थिंक करती है? जो इस पोएम में गर्ल है वो थिंक करती है, सोचती है. क्या सोचती है? क्या सोचती है कि इन द मॉर्निंग वो कहाँ जाते हैं? तो द ऑप्शंस आर गोज टू स्लीप, गोज अवे टू अनदर प्लेस और हाइड्स इन द स्काई. मतलब वो क्या क्या चीज़ें सोचती है कि वो कहाँ चले जाते हैं? वो सोने चले जाते हैं या फिर वो अलग जगह पे चले जाते हैं या फिर वो स्काई में छुप जाते हैं. सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? यस, दे ऑल गोज अवे टू अनदर प्लेस. वो कहाँ चले जाते हैं? वो ऐसा सोचती है कि वो दूसरी जगह चले जाते हैं दूसरे लिटिल गर्ल्स को देखने के लिए. सो द ऑप्शन विल बी गोज अवे टू अनदर प्लेस. सो शी थिंक्स दैट इन द मॉर्निंग ही गोज अवे टू अनदर प्लेस. दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सो यू विल हैव टू सर्कल इट. नाउ अवर एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ टेक्सचुअल एक्सरसाइज ऑफ पोएम नंबर 3 इन बेड एट नाइट इज finished now. Now we will meet in the next explanation video. Until then, everyone, stay home, stay safe, do take care of yourself. Namaskar, bye bye everyone.